नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आराध्या आरएएस एकेडमी में। आज मैं जो प्रश्न लेके आया हूँ वो है वन विचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज दोपहर में वन विचार का जो टॉपिक है, जो हमारे सर हिंदी के व्याख्याता संदीप सैनी जी, उन्होंने आज वन विचार के बारे में बताया है। पहले आप वो क्लास लीजिए, उसके बाद में ये टेस्ट दीजिए, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं फिर आपको पता लग जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। तो देखो, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है ये बताना है अपन को। तो देखो, चार ऑप्शन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा श्र। क्या हो जाएगा? श्र, श्रवण वाला श्र। ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन जो व्यंजन के अंदर ये गिने नहीं जाते हैं, याद रखना। श्र है वो संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है, ढ का उच्चारण स्थान है। तो देखो, ढ का उच्चारण स्थान कौन सा है, वो है, उत्तर हो जाएगा इसका मुर्दा। मुर्दा है वो ढ का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ण। चौथा प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या क्या है। तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। कितने हो जाएंगे? 25। पांचवा प्रश्न है, छह वर्ण किसके योग से बना है। जो छह वर्ण है वो किसके योग से बना है, तो ये बताना है अपन को। तो देखो, इसका उत्तर हो जाएगा आधा क प्लस स, यानी कि षटकोण वाला स, पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है। तो कौन सा वर्ण है जो दंते नहीं है, तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ट। क्या हो जाएगा? ट। ट है वो दंते वर्ण नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में से का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो किस वर्ण के बाद आता है ये बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा क के बाद में। क्या हो जाएगा? क के बाद में जो श है वो क के बाद में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो किन वर्णों के संयोग से बना है ग, तो इसका उत्तर हो जाएगा आधा ज प्लस ण। क्या हो जाएगा? आधा ज प्लस ण। नेक्स्ट है नौवां प्रश्न, पंचांग शब्द से उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है। तो देखो, पंचांग शब्द है जो इससे उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्न में से किस शब्द में हुआ है, तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा जो पंचांग। क्या हो जाएगा? पंचांग। नंबर सी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो दसवां प्रश्न है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। जो द्वित्व का जो शब्द का प्रयोग है किस शब्द में नहीं हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वल्गा। क्या हो जाएगा? वल्गा में है इसका सही प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखो, ग्यारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन है, यानी कि कंठ तालु, तालव्य व्यंजन पूछ रहा है। तो कंठ है वो जाएगा क वाली लाइन हो जाएगी, क वर्ग, और तालव्य वाली हो जाएगी च वाली लाइन, यानी कि च वर्ग। तो इसका उत्तर हो जाएगा च छ ज झ ण, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। बारहवां प्रश्न है, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। तो स्वर रहित र का प्रयोग किसमें हुआ है, तो देखो पुनर्निर्माण के अंदर जो स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। तेरहवां प्रश्न है, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब, यानी कि ब है वो अपन को दोनों का होठ मिला के ब बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो उक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग है वो किस में हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पढ़ाई। कौन कौन से वर्ण आते हैं? ढ और ढ।
ये दो वर्ड आते हैं उपसर्ग के अंदर, तो इसका उत्तर हो जाएगा पढ़ाई। 15वां प्रश्न है, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा? तो किस शब्द से पहले श्रद्धा शब्द आएगा? ये चार ऑप्शन आपके पास में, तो इनमें से बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रमिक। क्या हो जाएगा? श्रमिक। 16वां प्रश्न है, उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी के ढ और ढ व्यंजनों का सही संज्ञा में किस क्रमांक में है? तो किस क्रमांक में है ये बताना है। देखो, उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो अभी मैंने ऊपर बताया भी था, उक्षिप्त। कौन सा? उक्षिप्त। नेक्स्ट है, हिंदी के शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलता है? तो ज्ञान शब्द कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा च वर्णों के क्रम में। क्या हो जाएगा? च वर्णों के क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, 7 तारीख को परीक्षा है, तो इसलिए इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो किस क्रमांक में है? तो 18वां प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा श श। क्या हो जाएगा? श श। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीहा तालु से नहीं टकराती है? यानी कि जीहा है वो तालु से नहीं टकराती है, किस व्यंजन के उच्चारण में? तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा घ। घ है इसमें जीहा, जो तालु से नहीं टकराती है। 20वां प्रश्न है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य व र ल। कौन से होते हैं? य व र ल। तो इसका उत्तर हो जाएगा य और व। नेक्स्ट प्रश्न है, 21वां, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त और थ। क्या हो जाएगा? त और थ, इसमें अघोष व्यंजन है। 22वां प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? तो संयुक्त व्यंजन है वो किस क्रमांक में है ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्र। इसका उत्तर हो जाएगा त्र। तो दोस्तों ये याद रखना, जो संयुक्त व्यंजन है इसके अंदर ये गिने नहीं जाते हैं, लेकिन ये आते हैं संयुक्त व्यंजन के अंदर, ये मूल व्यंजन के अंदर नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, जो छ त्र ग और श्र संयुक्त व्यंजन है ये याद रखना, लेकिन मूल स्वर के अंदर है नहीं आते। 23वां प्रश्न है, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? तो किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा य र। क्या हो जाएगा? य और र के अंदर सघोष व्यंजन है। 24वां प्रश्न है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो दोस्तों याद रखना, जो अंतस्थ व्यंजन है वो कौन कौन से हैं? य र ल व। तो इसका उत्तर हो जाएगा र और ल। कौन से हो जाएंगे? र और ल। 25वां प्रश्न है, न व्यंजन का उच्चारण स्थान है? देखो न व्यंजन का पूछ रहा है कि उच्चारण स्थान क्या है। देखो चारों ऑप्शन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कंठ और नासिका। क्या हो जाएगा? कंठ और नासिका। 26वां प्रश्न है, वर्णमाला में कुल वर्ण है, तो वर्णमाला के अंदर कुल कितने वर्ण हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 52। टोटल है वो 52 वर्ण है। इस टॉपिक को अच्छे से अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो अपलोड किया है, उसमें जाके आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, उसके बाद में टेस्ट देने में और भी मज़ा आएगा। 27वां प्रश्न है, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? तो किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा य र ल। कौन सा? य र, इसके अंदर जो सघोष व्यंजन है। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में व्रतमुखी स्वर नहीं है? तो देखो व्रतमुखी स्वर किस में नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आ। आ है इसमें व्रतमुखी स्वर नहीं है, यानी कि होठ गोल नहीं होता इसके अंदर, जैसे ओ ओ उ उ, तो आ आ के अंदर व्रतमुखी स्वर नहीं है। 29वां प्रश्न है, किस क्रम में पश्य स्वर है?
यानी कि जीभ के पिछले वाले भाग से बोला जाता है। तो देखो कौन सा वर्ड है वो, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊ। कौन सा है? ऊ। नेक्स्ट है क्षत्रज्ञ है, तो देखो क्षत्र और ज्ञ है, तो के है क्या है, तीसरा प्रश्न है, देखो आराम से देख लो, क्षत्रज्ञ तो क्या है, देखो मूल स्वर है, संयुक्त स्वर है, अनुस्वार स्वर है या व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। 31वां प्रश्न है मंगला शब्द का सही मानक शब्द है, जो मंगला है जो इसका सही शब्द मानक है तो कौन सा है, तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगला। क्या हो जाएगा? मंगला। 32वां प्रश्न है व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से उच्चारण स्थान के आधार पर व और फ, कौन कौन से व और फ किस क्रमांक में आते हैं, तो किस क्रमांक में आते हैं, दंतोष्ट में, किस में आते हैं, दंतोष्ट में। 33वां प्रश्न है किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है, तो देखो अंतस्थ वर्ण है वो चार होते हैं, य र ल और व, तो इसके अंदर है वो गलत हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 34वां प्रश्न है किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है वो किस में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छः है, इसके अंदर स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। 35वां प्रश्न देखो किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है, तो किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है, तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा ल। क्या हो जाएगा? ल। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, पहले जो टॉपिक अभी अपलोड किया है पहले उसको देखिए, उसके बाद में टेस्ट देने में आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। 36वां प्रश्न है किस क्रम में अघोष व्यंजन है, तो किस क्रम में अघोष व्यंजन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वह है, कौन कौन सा, वह और है। नेक्स्ट है किस क्रम में तालव्य व्यंजन है, तो देखो तालव्य व्यंजन पूछ रहा है, तो तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, तो एक तो देखो कंठ हो जाएगा क वर्ग और तालु वाला हो जाएगा च वर्ग, तो इसका उत्तर हो जाएगा च छ झ ज, ये हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही। 38वां प्रश्न है ओम को किस तरह का स्वर कहा गया है, ओम को किस तरह का स्वर कहा गया है, तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लुत स्वर, कौन सा हो जाएगा, प्लुत स्वर। नेक्स्ट है जिन स्वरों के उच्चारण में मुँह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो सवृत स्वर, जिसमें सबसे कम मुँह खुलता है। 40वां प्रश्न है किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है, तो किस क्रम में है वो अघोष व्यंजन नहीं है ये बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आधा य। 41वां प्रश्न देखो नए व्यंजन का उच्चारण स्थान है, तो देखो वापस रिपीट हुआ ये प्रश्न, नए व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष और नासिका, क्या हो जाएगा, वर्ष और नासिका। 42वां प्रश्न है हिंदी वर्णमाला के कुल स्वर है, तो हिंदी वर्णमाला के कुल कितने स्वर हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11, कितने, 11। 43वां प्रश्न है स के साथ ऋ की मात्रा जोड़ने पर बनता है, यदि आधा श है शेर वाला श, इसके साथ ऋ की मात्रा जोड़ दें तो क्या बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगार, यानी कि श्रृंगार वाला स्र। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है उच्चारण के स्थान पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा पांच भागों में, कितने भागों में, पांच भागों में। 45वां प्रश्न है री को क्या कहेंगे, तो देखो री है उसको क्या कहेंगे, तो री को स्वर कहेंगे अपन, क्या हो जाएगा, स्वर। 46वां प्रश्न है रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है, देखो रू है उसका
संधि विच्छेद यानी कि विच्छेद है वो किस क्रमांक में है, तो इसका देखो उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा र प्लस ऊ यानी कि छोटा ऊ, आधा र प्लस छोटा ऊ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अयोग वाह है, तो देखो अयोग वाह क्या है, तो इसके अंदर जो विसर्ग है वो अयोग वाह है। 48वां प्रश्न देखो, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं, तो कौन कौन से वर्ग बनते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा अघोष और सघोष, कौन से अघोष और सघोष। 49वां प्रश्न है, गे व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है, तो गे व्यंजन है वो किन ध्वनियों के मेल से बनता है, तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा आधा ज प्लस री, क्या हो जाएगा आधा ज प्लस नी, सेकंड नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है, तो किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है, तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा है, क्या हो जाएगा है वो सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है। 51वां प्रश्न है, किस क्रम में ढ ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है, तो ढ ढ व्यंजन के लिए जो सटीक बात कही गई है किस क्रम में कही गई है, तो ये बताना है, तो इसका देखो उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी मैंने बताया था पहले भी उक्षिप्त व्यंजन है, तो उक्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन इसका उत्तर होगा, उक्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन। 52वां प्रश्न है, किस क्रम में विवृत स्वर है, जो विवृत स्वर है वो किस क्रम में है, तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा आ। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि में कितने स्वर है, तो देवनागरी लिपि के अंदर कितने स्वर हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 स्वर, कितने 11 स्वर। 54वां प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है, तो संयुक्त व्यंजन है वो किस क्रमांक में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रय। मैंने आपको बताया था कि ये मूल स्वर मूल व्यंजन के अंदर नहीं आते, लेकिन संयुक्त व्यंजन के अंदर ऐसे माने जाते हैं। 55वां प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो यह व रह, तो इसका उत्तर हो जाएगा यह और वह। दोस्तों ये हो गए जो वर्ण विचार से संबंधित प्रश्न, टोटल 55 प्रश्न है, आप इनको रट लेना, और परीक्षा से पहले मैं सभी टॉपिकों के जो परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आए हुए हैं वो सारे मैं आपके यहाँ पे अपलोड करा दूंगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं, और साथ में हिंदी की क्लास और चल रही है, और जीके का है वो करंट अफेयर का टेस्ट, और राजस्थान पुलिस SI का जो सेकंड पेपर है जीके का उसका अलग से, हिंदी का अलग से टेस्ट पेपर चल रहा है, और एक जीके की क्लास वैसे होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।